लक्ष्मण के बाद कौशल्या की खोज भी खत्म है। कहानी घर घर की एक्ट्रेस रामायण में बनेगी रणवीर की माँ। नितेश तिवारी की फिल्म में निभाएंगी माता कौशल्या का किरदार। अब तक रामायण के लिए इन स्टार्स के नाम आए सामने। रणबीर कपूर की आगामी फिल्म रामायण को लेकर फैंस में बहुत ही बेसब्री है। एनिमल में खूंखार किरदार निभाने के बाद अब सांवरिया रणवीर कपूर जल्द ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम का किरदार अदा करते हुए नजर आएंगे। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनने वाली माइथोलॉजिकल फिल्म के लिए अब तक कई सितारों के नाम सामने आ चुके हैं। साई पल्लवी जहां माता सीता के किरदार में दिख सकती हैं, तो वहीं सनी देओल हनुमान का किरदार अदा करेंगे। कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि रवि दुबे रामायण में रणबीर कपूर के छोटे भाई लक्ष्मण का किरदार अदा करेंगे। अब हाल ही में रिपोर्ट्स के अनुसार रणबीर कपूर की मां कौशल्या के किरदार की खोज भी खत्म हो चुकी है। राजा दशरथ की तीन पत्नियां थी, जिसमें बड़ी कौशल्या थी, जिन्होंने श्री राम को जन्म दिया था। नितेश तिवारी अपनी फिल्म में भगवान राम से जुड़े हर पहलू को डिटेल्स में दिखाना चाहते हैं। ऐसे में वह किसी भी किरदार को मिस नहीं करना चाहते। रवि दुबे के बाद नितेश तिवारी ने राम की माता का किरदार निभाने के लिए भी टीवी एक्ट्रेस को ही अप्रोच किया है। अब ई टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो रामायण में टीवी एक्ट्रेस इंदिरा कृष्णन रणवीर कपूर की मां के किरदार में दिख सकती हैं। हालांकि एक्ट्रेस को लेकर मेकर्स की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आपको बता दें कि रणवीर कपूर अपनी आगामी फिल्म रामायण के लिए जमकर मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ श्री राम के किरदार में परफेक्ट दिखने के लिए अपनी बॉडी पर वर्क किया है, बल्कि वह भाषा और अपने पोस्चर पर भी काफी काम कर रहे हैं। रणवीर कपूर की हाल ही में एक फोटो सामने आई थी, जिसमें वह तीरंदाजी सीख रहे हैं। नितेश तिवारी की रामायण को एक नहीं बल्कि तीन अलग अलग भागों में बनाया जाएगा। इसकी शूटिंग जल्द ही शुरू होगी। ऐसी ही मूवी न्यूज से अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को भी सब्सक्राइब करें।